सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है दी ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। बाइक के बारे में सारी डिटेल आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कलर ऑप्शंस के साथ। तो टोटल 4 कलर ऑप्शन में हॉर्नेट 2.0 अवेलेबल रहती है। ये अपने पास जो आज अपन लोग कवर करने वाले हैं मैट रेड या फिर मैट मरून है विथ गोल्डन स्टिकरिंग, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। उसके अलावा ग्लॉसी ब्लैक विथ रेड स्टिकरिंग कलर ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है। इस कलर का वॉकराउंड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लस राइड रिव्यू भी हॉर्नेट 2.0 का ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर कलर ऑप्शन जैसे 4 में से 3 मैट फिनिश में ही मिलने वाले हैं। सिर्फ जो ग्लॉसी ब्लैक मैंने आप लोगों को दिखाया, यही एक कलर ऑप्शन है जो कि ग्लॉसी में मिलने वाला है। इस टाइप से ये हो जाते हैं अपने कलर ऑप्शन। वेरिएंट सिंगल ही हॉर्नेट 2.0 में अवेलेबल रहता है और सेम इंजन के साथ आप लोगों को CB200X भी अवेलेबल रहती है। CB200X का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे। वेरिएंट सिंगल ही है, कलर ऑप्शन अपने टोटल 4 रहते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ऑन रोड जयपुर 1,66,000, 1.66 ऑन रोड जयपुर हॉर्नेट 2.0 आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। कलर्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है। ये प्राइस थी विदाउट एनी एसेसरीज और विदाउट एनी एक्सटेंडेड वारंटी 1,66,000। अब देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में आप लोगों को मिल जाता है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी सबसे पहला पॉइंट अपन लोग रखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा हॉर्नेट में आप लोगों को इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। फ्रंट में आ जाता है होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट का क्लैंप अपना यहाँ पे आना है। लाइटिंग सेटअप कंप्लीट आपको LED में ही मिलने वाला है। इग्निशन यहाँ पे रहता है अपना फ्यूल टैंक पे, इग्निशन करते हैं ऑन और ये कुछ लाइटिंग सेटअप इग्निशन के साथ अपना ऑन है। कंप्लीट ओवरऑल फ्रंट व्यू और रियर भी LED में ही लाइटिंग सेटअप मिलता है। इग्निशन के साथ इस टाइप से LED DRL यहाँ पे ऑन रहेगा, प्लस हजार्ड भी यहाँ पे आप लोगों को कंपनी से ही एज स्टैंडर्ड मिल जाता है। और इस टाइप से इंडिकेटर ऑन होने के बाद अपना लुक आता है। फ्रंट मडगार्ड कुछ आपका इस टाइप से है, बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक वाला एरिया। ABS यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है सिंगल चैनल ही, पर कोई इशू नहीं है क्योंकि ब्रेकिंग स्किन हमने खुद राइड किया था, राइड रिव्यू में ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप ये बन जाता है, प्लस पावर डिलीवरी भी बाइक की काफ़ी अच्छी है। फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है अपसाइड डाउन गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ। इस कलर ऑप्शन में गोल्डन ही आपको स्टिकरिंग भी मिल जाती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। थिकनेस भी काफ़ी अच्छी, लगभग 37 mm के अराउंड इसकी थिकनेस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। फ्रंट डिस्क पेट्रोल डिस्क मिल जाता है 276 mm का, 276 mm का पेट्रोल डिस्क है और निश्चित ब्रेकिंग ही फ्रंट भी और रियर भी रहता है। रिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है, प्लस एक इंजन काउल भी यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग के साथ देखने को मिलेगा। बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक में ये भी सेटअप रहेगा। किक यहाँ पर नहीं है और इस कैटेगरी में किक आप लोगों को बहुत ही रेयरली ही सेटअप मिलता है। ये हो जाता है अपना फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, रबर कवरिंग यहाँ पे मिल जाती है। ये अपना ब्रेक लीवर, रियर व्यू मिरर है, जैसा कि अगेन होंडा की सभी बाइक्स में सभी स्कूटीज़ में शेप रहता है, वही वाला लुक यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। इस टाइप से कुछ अलॉयज का शेप रहेगा। MRF का ये टायर है, पर ये चीज़ लॉट टू लॉट आपकी डिपेंड होती है, चेंज भी हो सकता है ब्रांड। 110/70/17 फ्रंट टायर की अपनी ग्रेडिंग है, स्टिकरिंग का यूज़ भी फ्रंट टायर पर आप लोगों को मिल जाएगा। इस टाइप से कुछ टायर का अपना पैटर्न बन जाता है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा सेटअप बाइक में आप लोगों को साइड प्रोफाइल से मिल जाता है। स्पेशली सीट हाइट, काफ़ी लो सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। 790 mm की टोटल आपकी सीट हाइट रहेगी। सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, स्प्लिट में सीट मिल जाती है, प्लस स्प्लिट में ही अपना ग्रेब रेल भी है। स्टिकरिंग की बात करते हैं तो रियर फेयरिंग पे भी थोड़ा सा यूज़ आप लोगों को स्टिकरिंग का मिल जाता है और मेजरली फ्यूल टैंक पे ही आप लोगों को स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। हॉर्नेट और 2.0 यहाँ आ जाता है। इस टाइप से होंडा का एम्बलम वाला 3D वाला लोगो मिल जाता है। फ्यूल टैंक पे देखते हैं तो सेंटर वाला पार्ट आपको आ जाता है मैट ब्लैक में, कार्बन वाला टेक्सचर आ जाता है। होंडा का लोगो यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल टैंक में मिलता है। वार्निंग स्टिकर है, E20 का स्टिकर आ जाता है। इस टाइप से फ्यूल कैप है, की होल पे कवरिंग, इग्निशन भी अपना फ्यूल टैंक पे ही है। इस टाइप से की का शेप है, जैसा कि लीवो और शाइन SP में भी आता है, वही वाला सेटअप। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल आपकी 12 लीटर फाइबर कवरिंग के साथ 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। काउल वाला एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक को इनहेंस कर देता है। साइड से भी देखने में साइड पैनल आपको मिलेगा मैट ब्लैक कलर टोन में ही। इस टाइप से कुछ रियर टायर का पैटर्न है, रियर टायर की ग्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रियर टायर रहने वाला है अपना यहाँ पे 140/70/17, 140 सेक्शन का रियर है, 110 सेक्शन का अपना फ्रंट था। रियर भी वही अपनी निशिन ब्रेकिंग, पेट्रोल डिस्क रियर में भी है 220 mm का, 220 mm पेट्रोल डिस्क रियर में हो जाता है। टायर अगर सिंगल पार्ट ही है जो कि अपने को मिलता है फ्रंट में, और रियर सस्पेंशन है अपना मोनोशॉक मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट यहाँ पे हीट शील्ड आ जाती है मेटल में, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है भी। एग्जॉस्ट नोट भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। इस टाइप से कुछ फुट पैक्स हो जाते हैं रियर का, पिलियन के लिए है इस टाइप से विदाउट एनी रबर ग्रिप। राइडर के लिए रबर ग्रिप भी मिल जाती है। ये अपना ब्रेक लीवर। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो 184.4 cc का 4-स्ट्रोक SI इंजन मिल जाता है।
5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ, तो 5 गियर ही आप लोगों को हॉर्नेट में मिलने वाले हैं। पावर रहता है 17.03 एचपी का और 15.9 एनएम का टोटल आपका टॉर्क है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड देखो मैंने क्लेम की थी, जो मैंने राइड रिव्यू में राइड की थी बाइक, वो ये वाली बाइक की थी और नई बाइक थी, लगभग 110 के अराउंड मैं टॉप स्पीड इसकी अचीव की थी। ये अपना रियर लुक, लाइटिंग इग्निशन के साथ ऑन है, हजार्ड भी ऑन है, नंबर प्लेट का बल्ब आपका एलईडी में ही है। कार्बन वाला टेक्सचर अगेन जैसा कि फ्यूल टैंक पे था, वो आप लोगों को यहाँ पे टेल टाइडी पे भी आ जाता है। साइज काफ़ी अच्छा है, एस शेप टेल लैंप आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि अगेन हॉर्नेट में हमेशा से चला आता ही है वही वाला सेटअप यहाँ भी है। अपोजिट साइड कवर करते हैं, फिर देखते हैं एमआईडी। तो इंजन का लेआउट अपोजिट साइड से कुछ इस साइड से है, सिंगल हेड में गियर लीवर आ जाता है, सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों है, जो कि बाइक की एक जो प्रैक्टिकलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, साइड स्टैंड इंजन का टॉप भी मिल जाता है। इस टाइप से चेन का सेटअप है, फुली ओपन वाला। ये रहा अपना फुटपैक, की होल है सीट ओपन करने के लिए, साड़ी गार्ड अभी इस बाइक में इंस्टॉल नहीं है, पर वो चीज़ आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ये चीज़ भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। इस टाइप से कुछ राइडर पीओवी है, काफ़ी अच्छा सेटअप एक बाइक पे बैठने के बाद आप लोगों को काफ़ी फन टू राइड फैक्टर यहाँ पे मिल जाता है। क्लच का फील बटरी स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच यहाँ पे मिलता है। ये है अपना एक पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल वेजर में काफ़ी लाउड ऑन है। राइट साइड पे किल स्विच, हजार्ड का स्विच और एक अपना स्टार्टर आ जाता है। बार एंड वगैरह आपको मिलता है फाइबर में, जैसा कि यही आप लोगों को सेटअप एसपी में भी मिलता है, एसपी भी यहाँ पे है नहीं, यूनिकॉर्न में एसपी 125 में बार एंड आपका सेम ही रहेगा और ग्रिप कवर की क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको सेम ही मिलता है। इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा यहाँ आप लोगों को पूरा सेटअप मिल जाता है। हैंडल बार कंप्लीट मैट सिल्वर कलर टोन में आ जाता है। सैडलिंग भी इस बाइक से काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रेज्ड है ये हैंडल बार है। अगर टूरिंग के पर्पज से भी हॉर्नेट ही लेनी है तो आप लोग ले सकते हो हॉर्नेट भी, नहीं तो CB200X भी मोर ऑफ टूरिंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब देख लेते हैं MID सेटअप। MID का स्टार्टअप कुछ अपना इस टाइप से है, हजार्ड अभी ऑन है, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग मिल जाती है, हाई बीम लो बीम ABS न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, टैकोमीटर यहाँ पर RPM मीटर ऊपर शो हो रहा है, स्पीडोमीटर ट्रिप ए भी आ रहा है, क्लॉक मिल जाता है, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। चेंजेस करके देखते हैं तो ट्रिप बी बैटरी वोल्टेज, टोटल ऑडोमीटर वही अगेन दो ट्रिप मीटर है, बैटरी वोल्टेज मिल जाता है, बाकी गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट बन जाता है। कलर ऑप्शन टोटल अपने हो ही चुके हैं, टोटल 4 हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ग्लॉसी ब्लैक और मैट मरून अपने पास अवेलेबल है। राइड रिव्यू ज़रूर से देख लेना अगर आप लोग लेने का प्लानिंग कर रहे हो, और हेडलैम्प के साइड में भी यहाँ पे बॉडी कलर वाला पार्ट आपको मिल जाता है। सो ये हुआ जी अपना पूरा वीडियो कम्प्लीट हॉर्नेट 2.0 का। एक बार वीडियो को एंड करने से पहले बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस टाइप से कुछ हेडलैम्प ऑन रहेगा कंप्लीट यूनिट, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। एक बार आइडियल पे भी यहाँ पे देख सकते हो, अभी जबकि कोल्ड स्टार्ट पे है बाइक, उसके बाद इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एग्जॉस्ट नोट। कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट कमेंट में ज़रूर से बताना, बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। करते अपने वाला वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।